मैंने एक महीने पहले ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी और एक महीने बाद इसका क्या रिजल्ट है कि ये जो प्रोडक्ट हैं वो सही हैं या नहीं, तो फुल वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, वैसे तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो मैंने कुछ अपने लिए सामान मंगाया हुआ है मीशो से, तो अभी मेरे 3 पार्सल तो आ चुके हैं लेकिन अभी एक पार्सल मेरा बाकी है। तो मैं वीडियोस बना ले रही हूँ क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है तो उसे मैं रिटर्न भी कर देती हूँ। तो मेरा मकसद केवल इस वीडियो को बनाना यही है कि आप लोगों को मैं सही प्रोडक्ट बता सकूँ कि मैंने जो मंगाया है वो एकदम सही है या नहीं है, आप उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करती हुई जो भी कुछ मैंने मंगाया है सारा आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसा निकला है, आप इसे बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी एक पार्सल बाकी और है, तो अगर वो कल तक आ जाता है तो इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूँगी, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाया है, ये देखिए, जो नाइट सूट है वो, और ये मंगाया है मैंने अपनी बेटी कनिष्का के लिए। और ये जो साइज़ है वो मैंने एक्सेल साइज़ मंगाया है जो कि हम दोनों को फिट बैठता है। और ये जो नाइट सूट वगैरह होते हैं ये थोड़े लूज़ होते हैं, वही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये मंगाया था। सॉरी, ये मैंने मंगाया है एल साइज़ क्योंकि इसमें एक्सेल साइज़ था ही नहीं, और ये एल साइज़ है और मेरी बेटी को एकदम फिक्स आया है ये। तो चलिए, इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। और एक महीने से मेरी बेटी इसको पहन भी रही है, तो वाकई में इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका साइज़ एकदम फिट है, एल साइज़ है और मेरी बेटी को एकदम फिक्स आया है। और इसका जो इस तरीके का बॉटम है, नीचे से थोड़ा इस तरीके से ये खुला हुआ नहीं है, थोड़ा इस तरीके से है, आप देख लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसे वेयर करके भी दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से, और इसका प्रिंट है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और इसके प्रिंट की वजह से ही मैंने इसे मंगाया हुआ था और उसको भी बहुत अच्छा लगा है। और ये देखिए, पहनने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका, तो आप भी मंगा सकते हैं। अब जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है ये भी, ये क्या है, चलिए इसे ओपन करके ही देख लेते हैं। शायद ये मैंने अपने लिए एक नाइट सूट मंगाया था, वो है, देखते हैं, हाँ जी, ये वही है जो मैंने अपने लिए नाइट सूट मंगाया था। और आप सोच रहे होंगे ये इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है, तो ये वीडियो मेरा एक महीने पहले का है, ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने एक महीने पहले मंगाए हुए थे और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से मेरे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ जो ये वाला साइज़ है ये एक्सेल साइज़ है और ये बहुत ही अच्छा है और इसमें जो साइड में इस तरीके से दोनों साइड में पॉकेट दी हुई हैं और पहनने के बाद में एकदम कम्फर्टेबल है और ये प्योर कॉटन का है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए, पहनने के बाद में इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से है, पीछे से ये इस तरीके से हाई लो दिया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और पहनने के बाद में इसका अलग ही लुक है। और हम इन जो प्रोडक्ट हैं इन्हें एक महीने से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, साड़ी है वो मैंने अभी नहीं पहनी है, लेकिन मैंने जो ये नाइट सूट मंगाए हैं ये हम एक महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे हैं, आप इन्हें मंगा सकते हैं। अब जो ये देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये मंगाई है मैंने एक साड़ी और ये जो साड़ी है वो एकदम प्योर कॉटन में है, तो इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और सभी के रेट मैं आपको साइड में मेंशन कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि इनका क्या रेट है। तो मैं मतलब आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये जो प्रोडक्ट हैं आप इन्हें ले सकते हैं, एकदम परफेक्ट हैं, इनमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये देखिए, जो ये साड़ी है ये प्योर कॉटन की है और इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए इस तरीके से, ये पूरा मैं ओपन करके दिखाऊंगी आपको।
और जो ये साड़ी है इसे मैं आपको वेयर करके भी दिखा दूंगी। इसके साथ में जो ब्लाउज पीस है वो थोड़ा अलग है। और ये है इसका देखिए ब्लाउज पीस। अब इसे मैं आपको वेयर करके भी दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद में इसका क्या लुक है। तो ये आप देख सकते हैं पहनने के बाद में इसका कुछ इस तरीके से लुक है। तो इसका जो ब्लाउज वगैरह है वो अभी स्टिच नहीं है, तो मैं जो टॉप पहनी हुई थी उसी के ऊपर मैंने इसे वेयर कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है पहनने के बाद में, और जब इसका ब्लाउज स्टिच हो जाएगा तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखिए अच्छी लगती हैं ये पहनने के बाद में, एकदम कंफर्टेबल फील होता है हमें। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अब जो एक और प्रोडक्ट है वो ये नेक्स्ट डे में आया था, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे सुबह का क्लिप है, तो इसे भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये भी अगेन एक साड़ी मंगाई है और ये भी प्योर कॉटन में है। ये भी कुछ उसी से मिलता हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने इसमें जो मंगाया था ये वो प्रोडक्ट नहीं है। मैंने इसमें रेड ही कलर चूज़ किया था, लेकिन उसका प्रिंट थोड़ा अलग था। तो ये मुझे अच्छी तो लगी है पहनने के बाद में, आप इसे मंगा सकते हैं। कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका और इसका प्रिंट भी अच्छा है, लेकिन जो मैंने प्रिंट मंगाया था ये वो नहीं है। तो कुछ ऐसा होता ना कि हमें जो अच्छा लगता है वही फिर हम सोचते हैं वही होना चाहिए। तो इस साड़ी को मैं रिटर्न करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मंगाना है इसे तो आप मंगा सकते हैं। एकदम अच्छा प्रोडक्ट है और प्योर कॉटन का है। मैं आपसे बोल रही थी कि जो मैंने कलर मंगाया था ये वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे वेयर करके ज़रूर दिखाऊंगी कि इसका जो लुक है वो कैसा है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो सेम इसी के जैसा है, वो नीचे गिर चुका है तो मुझे पता नहीं था कि वो नीचे गिर गया है। अभी ये देखिए मैं आपको सारा दिखा रही थी कि इसका जो प्रिंट है कलर है वो एकदम कैसा है। ये देखिए एकदम मुझे दिखा कि इसका ब्लाउज ये नीचे पड़ा हुआ है, तो इस तरीके का इसका ब्लाउज है। अब पहनने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके से है। ये पहनने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका, लेकिन फिर भी मैंने इसे रिटर्न किया है। और जो मुझे चाहिए था वो पीस मैं मंगाने वाली हूँ, तो अब वो आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसे भी आप मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पीस है। और सभी के जो प्राइस हैं वो मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं और मंगा सकते हैं। तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, तो इस साड़ी को मैं रिटर्न करने वाली हूँ। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।